बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी हबीबा डार एंड वेलकम टू माय चैनल। जो भी आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, यकीन करें आपने 1000% बिल्कुल ठीक देखा है। अभी आप यकीन नहीं कर सकते तो ना करें, वीडियो को पूरा कंटिन्यू करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। उसके बाद अगर आपको लगे कि वाकई ही काम कॉपी पेस्ट का है, 5 से 6 मिनट में सिर्फ सिखाना है, बाकी आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आप 1 मिनट के 242 रुपीज़ कमा सकते हैं। प्रूफ भी दिखाया जाएगा और इसके अलावा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5-5 ऑर्गेनिक ऐसे रस्ते भी दिखाए जाएंगे जिससे आप इसी स्किल के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ये जो स्किल है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आजकल जारी है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर बात की जाए इस स्किल की, इसको लोग करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप 2 घंटे का काम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में 6 मिनट में कर लेंगे। आपने करना है जी कॉपी पेस्ट। बाकी लोग जो कि हार्ड वर्कर हैं वो हार्ड वर्किंग करेंगे और हम स्मार्ट वर्कर बनके हम ट्रिक से काम लगाएंगे और ट्रिक से ही ये सारा काम करेंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सर खपाई नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर ना सिर्फ यूट्यूब के हवाले से, फाइवर के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक आपके साथ शेयर की जाती हैं, डिफरेंट अर्निंग प्लेटफॉर्म शेयर की जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि हर वीडियो में प्रूफ भी शेयर किया जाता है। तो लिहाजा अगर आप नए हैं चैनल पे या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गई हूँ। सबसे पहले आपको काम बताया जाएगा, सर्च करते हैं यूट्यूब वीडियोज विद सब टाइटल्स, तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोज आती हैं। मतलब ये कि ये जो जॉब है वो है जिस सब टाइटल्स के हवाले से, तो आपने ये सोच के कि सबटाइटल्स लिखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अक्सर वीडियोस में सबटाइटल्स इंग्लिश में होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सबटाइटल्स होते क्या हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस चीज का नहीं पता होना। जैसा कि अगर मैं इस वीडियो को प्ले करती हूं तो आपको नीचे ये देखे साथ साथ इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कि अगर आपकी वीडियो उर्दू में है या फिर किसी और लैंग्वेज में है, आप नीचे नीचे कोई और लैंग्वेज के सबटाइटल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो कि कभी ना एंड होने वाली है। इसको आप ना सिर्फ YouTube वीडियोस में देखते होंगे बल्कि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जिनके नीचे सबटाइटल्स लगे होंगे। यूजुअली जो सबटाइटल्स यूज होते हैं वो इंग्लिश में यूज होते हैं, अक्सर लोग उर्दू में भी लिखवाते हैं, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी, लेकिन यूजुअली जो हम सबटाइटल्स यूज करते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आपको उर्दू इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ पढ़नी आती है, आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके अपनी इस सर्विस को सेल करना है और पैसे कमाने हैं। कॉपी पेस्ट करना काम कोई भी मुश्किल नहीं है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तरीका मैंने बताना है, करना आपने है। ये था जी हमारे पास सर्विस। तो मैं जब एक मतलब के 1K सब्सक्राइबर पे पहुंची थी तब ही मुझे बहुत ज्यादा लोगों की ईमेल्स आई थी कि हमसे ये वाली सर्विस बाय कर ले, हमसे ये ले लें, हमसे ये काम करवा लें। चूंकि ये काम मैं खुद कर सकती हूँ तो इसलिए मैंने कोई बंदा हायर नहीं किया। तो बाकी हम काम बाद में ये सीखेंगे कि हमने किन बंदों से काम करवाना है, किन प्लेटफॉर्म पे ये काम जाके करना है। पहले हम सीख लेते हैं जी हमने कॉपी और पेस्ट वाला काम कैसे करना है। पहले आपने मुतमिन होकर काम सीखना है। जब आपको समझ लग जाए कि वाकई ही काम कॉपी पेस्ट वाला है, कोई लंबी चौड़ी बातें छोड़ी नहीं गई, जो बातें कही गई हैं वही सिखाया गया है, तो उसके बाद आपने अत्मीनान के साथ पूरी वीडियो को देख के फायदा हासिल कर लेना है। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए। अगर आप वीडियो को समझ नहीं पा रहे, चाहे वीडियो छोटी है, तो फिर फायदा ऐसी वीडियो का। तो लिहाजा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज को ऐसे सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। बहरहाल समझ तो आपको लगी कि आपने काम क्या करना है। आपने सिंपली ये नीचे जो आपकी वीडियो है, आपको बनी बनाई मिलेगी वीडियो, आपने सिंपली ये नीचे जो सबटाइटल वाली ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये आपने रेडी करके देनी है, ना कि आपने एड करके देनी है। ठीक है, अगर आपने एड करनी है तो वो भी मैं तरीकाकार आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से सबटाइटल एड कर सकते हैं। पहले आपको वीडियो दी जाएगी, जैसे ये वीडियो है मिसाल के तौर पर, इसके ऊपर सबटाइटल नहीं लगे हुए। कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि हमने इसके ऊपर सबटाइटल लगवाने हैं, वो आपको वीडियो रेडी करके दे देगा, लेकिन यहाँ पे जो सबटाइटल लगे हुए हैं ये नहीं लगे होंगे। आपने क्या करना है, आपने लगाने के लिए पूरी एक फाइल सबटाइटल की बना के उसको रेडी कर लेना है। उसके बाद जाना है यूट्यूब चैनल पे उस बंदे के। ठीक है, यूट्यूब को जब आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जब हम जाते हैं अपने चैनल पे, मैं इसको फास्टली करूंगी ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। जाते हैं हम उस चैनल पे, योर चैनल में जाके जब हम जाएंगे सेटिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है, कस्टमाइज चैनल में,
यहाँ पे अगर मैं चाहूंगी अपने कंटेंट वाले पोर्शन में, मिसाल के तौर पर ये वीडियो है जिसमें आपने सबटाइटल ऐड करने हैं, आपने सबटाइटल सारे रेडी करके रख लेने हैं, किस तरह से रेडी करने हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। पहले आपको लगाने का तरीका बता दूं, ये देखिए जी यहाँ पे आपको सबटाइटल वाला ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि आपको हर वीडियो में मिल जाएगा जब आपको इस तरह से ओपन करेंगे। मैंने आपको ओपन करके भी सारा समझा दिया ताकि आपको समझ लग सके। यहाँ पे आप पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये देखिए शो हो रहा है अपलोड फाइल। आपने पूरी पूरी फाइल जो तैयार की होगी सबटाइटल की, सिंपली यहाँ पे आपने क्लिक करके आपके सामने आपकी गैलरी शो हो जाएगी, वहां से आपने इसको जो है यहाँ से ऐड कर देना है। यहाँ पे कह रहा जी विद टाइम, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, तो फिलहाल मैं इसको करूंगी कैंसिल क्योंकि मैंने यहाँ से ऐड नहीं करना। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ से पूरी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे टाइप मैन्युअली भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे टाइप करके एक एक लाइन खुद भी टाइप कर सकते हैं, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुश्किल है। तो लिहाजा आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी आप सिंपली यहाँ से क्या करें, सिंपली आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पे जाके आपने फाइल तैयार करके रखी होनी है, उसको आपने डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। ये जी हो गया काम, हमने किस तरह से अपलोड करना है। अब हमने सीखना है जी काम हमने करना कैसे है, तो उसके लिए मैं जाऊंगी जी गूगल पे। गूगल पे जाके मैंने सिंपली यहाँ गूगल डॉक्स की सर्च करते हैं जाके गूगल के ऊपर, तो हमारे सामने ये सेकंड वाला ऑप्शन नजर आ रहा है गूगल डॉक्स वाला, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेज ओपन हो रहा है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमने क्या करना है, ब्लैंक वाले पेज पे करना है क्लिक और ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद बाकी मैं आपको काम समझाने वाली हूँ, तो आप देख के ये हैरान होंगे कि वाकई ही इतना सिंपल काम है, कॉपी पेस्ट का काम है। जी हाँ, ये देखिए मेरे सामने ये पेज ओपन हो चुका है। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे हमने जाना है टूल्स वाले ऑप्शन में। टूल्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिल रहा है जी वॉइस टाइपिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऊपर अभी इंग्लिश लैंग्वेज जो मैं है सिलेक्ट हुई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी जो जो मैं बोलती जाऊंगी वो यहाँ पे टाइप खुद ब खुद होता जाएगा। अब आप ये सोच होंगे कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं, हम कैसे बोलेंगे, तो आपने नहीं बोलना, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है, अगर मैं इसको आवाज प्ले करके सुनाऊं तो आपने क्या करना है। Assalamualaikum my YouTube family, उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक है। इस तरह से आपने इस वीडियो को अपने मोबाइल के मतलब के मोबाइल में ऑन करके सिर्फ और सिर्फ इस जो माइक है इसके करीब करना है, जो जो आवाज आती जाएगी माइक के अंदर मतलब के वो खुद ही यहाँ पे टाइप करता जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाती हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे इसको प्ले करती हूँ और कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, जो जो मैं बोलती जाऊंगी वो यहाँ पे लिखता जाएगा। अब मैंने चूंकि ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे जो मैं बोलूंगी वो इंग्लिश में लिखेगा। अगर मैं यहाँ से कोई लैंग्वेज चेंज भी कर लेती हूँ, मतलब कि हमने किसी और लैंग्वेज में लिखना है, तो हम यहाँ से चेंज करके कोई भी लैंग्वेज में सबटाइटल्स लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करूंगी जी प्ले, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड बोल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू जी। ये देखिए जैसे ही मैंने ये बोले वर्ड तो इसने खुद ब खुद यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी वीडियो को प्ले करके इसके बिल्कुल करीब करना है, जो जो आपकी आवाज होगी वीडियो के अंदर वो सारी की सारी यहाँ पे लिखता जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपने शेयर करके इसको शेयर कर देना है। अगर हम बात करें ऐसी वीडियोज की जिसमें सब टाइटल हमने ऐड करने हैं इंग्लिश में, लेकिन जो बंदा बोल रहा है वो उर्दू में बात कर रहा है, तो उसके लिए भी सोल्यूशन मौजूद है, बहुत ही आसान तरीकाकार है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ क्या तरीकाकार है। मैं यहां से इसको करती हूं बैक, ठीक है। बैक करके यहां पे क्या करना है, मिसाल के तौर पर हमारी जो वीडियो है वो उर्दू में है, यहां से मैं चूज करूंगी जी उर्दू लैंग्वेज। जैसे ही मैं उर्दू लैंग्वेज चूज कर लेती हूं तो बाकी नेक्स्ट प्रोसेस भी आपको बताती हूं। यहां पे हमारे पास उर्दू भारत वाली भी है, पाकिस्तान वाली भी है। अगर कोई भारत का बंदा आपसे काम करवा रहा है तो आपने ये चूज कर लेनी है, नहीं तो मैं यहां पे पाकिस्तान वाली चूज कर लूंगी। यहां पे आपने वीडियो को प्ले करके जो कि उर्दू में है उसको अपने इंग्लिश में लिखना है, माइक के करीब रख के प्ले करना है, सारी लाइंस यहां पे लिखी जाएंगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ बोलती हूँ और आपको करके दिखाती हूँ कि वो उर्दू को आपने इंग्लिश में कैसे चेंज करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप ध्यान से समझिएगा और स्क्रीन की तरफ फोकस करके आप इसको देखिएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से मैं माइक को प्ले करके कुछ वर्ड उर्दू में बोल लेती हूँ, फिर आपको मैं इंग्लिश में चेंज करके दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे।
जी देखें, जैसे ही मैंने बोला है इसमें, तो इसने सारे जो वर्ड मैंने बोले हैं यहाँ पे इसने टाइप कर दी है। सिंपली क्या करना है, यहाँ से मिसाल के तौर पर मैंने इनको करना है इंग्लिश में कन्वर्ट, यहाँ से करूंगी मैं इसको कॉपी, मतलब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल सी टाइप करना है और जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आके मैंने लिखना है गूगल ट्रांसलेट। जैसे ही गूगल ट्रांसलेट की हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये मतलब कि ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लेना है उर्दू लैंग्वेज, अगर उर्दू में है तो यहाँ पे हम उर्दू लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश में अगर आपने बोला हुआ है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब ये कि जिस लैंग्वेज को आपने जिसमें कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ से क्रॉस करके दिखाती हूँ, यहाँ पे अगर आपने उर्दू में बोला हुआ है आपने इंग्लिश में चेंज करना है तो यहाँ पे आप उर्दू को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाके आपको उर्दू वाला ऑप्शन मिल रहा है, उर्दू को मैं सिलेक्ट कर लूंगी। वहां से जो मैंने कॉपी किया हुआ था यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर दूंगी। जैसे ही मैं करूंगी ये देखिए आपको इंग्लिश में लिखा हुआ सारा नजर आ रहा है। सिंपली क्या करना है, आपने यहां से इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है और वापस जाके अपनी फाइल में इसको इसके नीचे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी सारी फाइल रेडी कर लेनी है। जब आप इसको रेडी कर लेंगे आपने सिंपली यहां से इसको शेयर कर देना या फिर आपने अपनी वीडियो में जाके जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है अपलोड करने का, यहां पे फाइल पूरी रेडी करने के बाद अपलोड कर देना है। अब हम बात करते हैं जी, काम तो हमने सीख लिया है जो कि इंतहाई आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। होप सो कि आपको समझ लग गई होगी काम की। बाकी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। ढेर सारे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी हम बात करते हैं जी, हमने काम कहां पे करना है, कहां से अर्निंग करनी है। एक मिनट के आपको मिलेंगे 242 रुपए। इसके अलावा आप इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं, विद प्रूफ बात होगी। अब अगर मैं बात करूं तो आपने इसके लिए जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके आपने सर्च करनी है रीव सबटाइटल्स जॉब की, तो आपको यहां पे मिल रही है वेबसाइट। सबसे फर्स्ट वाले पे आपने कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। यहां पे हम सबटाइटल्स की सर्विसेज सेल भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहां से बाय भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें जी यहां पे काम किस तरह से हमने करना है, तो काम करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि यहां पे आप एक मंथ के $958 आसानी से कमा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें $958 की, वो कितने बनते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कितने बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ इन पाकिस्तानी रुपीस हम कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 2 लाख से ऊपर बन रहे हैं, जो कि एक आम बंदे के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब है। तो यहाँ पे आपने एक मंथ काम करना है तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे भी बिल्कुल प्रूफ नजर आ रहा है। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि यहाँ पे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो ये भी आपकी बिल्कुल गलतफहमी है। इसके अलावा आपको मैं जो लास्ट पे 3 प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ उसके ऊपर ना ही आपको कोई मुश्किल पेश आने वाली है, बल्कि आपको बहुत आसानी के साथ ऑर्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे भी ऑर्डर लेने का तरीकाकार आपको बता देती हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो इंसान यहाँ से बाय कर रहे हैं वो भी इंसान ही है, उनके भी 2 हाथ 2 आंखें और 1 ही दिमाग है। ये बात जहन से निकाल दें कि हमें जॉब नहीं मिलेगी या फिर हम कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं जी आपको हर वीक में आपकी जो अर्निंग होगी, जो आपने वीक में काम किया होगा, आपको पे कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको ऑनलाइन बैठ के इस काम को कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अप्लाई करना है तो इसके लिए अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल एंटर करनी है और इसके अलावा कंट्री सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके सारा जो उन्होंने यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल आउट करके और अप्लाई कर देना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमने किस तरह से अर्निंग स्टार्ट करनी है रेव के ऊपर, तो उसके लिए हमने पहले नंबर पे अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। उसके बाद हमने अपना जो काम है उसको चूज करना होता है। मतलब ये कि हमने यहाँ पे सबटाइटल की जॉब लेनी है तो हमने बताना है कि हमने यहाँ पे सबटाइटल की जॉब लेनी है। इस वेबसाइट पे ना सिर्फ हमें सबटाइटल की जॉब मिलती है बल्कि और बहुत सारी जॉब्स हमें मिलती हैं, तो लिहाजा यहाँ से हमें चूज करना होगा कि हमने यहाँ पे सबटाइटल की जॉब लेनी है और ये भी बताना होगा कि हम किस लैंग्वेज में सबटाइटल लिख के देंगे। ये हो गए हमारे दो स्टेप। थर्ड नंबर पे आपको जब आप काम करेंगे तो आपको जो है पेपाल के जरिए पेमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो सोच होंगे कि पेपाल का अकाउंट हमारे पास नहीं है तो मतलब हम यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते, तो वो भी बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप पेपाल
का अकाउंट नहीं है तो इसके अलावा सॉल्यूशन ऐसा भी है कि आप जैस कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट लेके अर्निंग कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको ऐसे मेथड भी बताने वाली हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला मेथड। उसके बाद सेकंड वाले मेथड की बात करें तो जैसे गूगल पर जाके हम सर्च करते हैं हैप्पी सब्सक्राइब की, मैं आपको बैक करके दिखा दूं ताकि आपको समझ लगे। हैप्पी सब्सक्राइब की मैंने सर्च की है, यहाँ पे आपको मिल रहा है जी सेकंड वाला ऑप्शन सबटाइटल्स जॉब फ्रॉम होम। जैसे ही इस पे क्लिक किया जाएगा तो ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है, जिसमें उन्होंने बताया है जी यहाँ पे अप्लाई करें जॉब के लिए। जॉब के लिए अप्लाई करने का तरीका बाद में बताऊंगी, पहले आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि हमें एक मिनट काम करने के 1.10 यूरो मिलते हैं, जो कि हमारे पास कितने बनते हैं हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जी हमें किस तरह से काम करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1.10 यूरो पाकिस्तानी रुपीज में 242 रुपए बनते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के हैं। अगर हम बात करें जी मंथली हम यहाँ पे कितना अर्न कर सकते हैं, 450 डॉलर सॉरी यूरो अर्न कर सकते हैं। अगर हम बात करें जी कि टॉप मंथली कितनी पेमेंट लोगों ने इस वेबसाइट से अर्न की है, वो है जी 3000 यूरो। मतलब कि जो लोग इस वेबसाइट से कमा रहे हैं वो भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो आप भी इतने कमा सकते हैं। बाकी बात करते हैं जी हमने किस तरह से यहाँ पे काम लेना है, तो नीचे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है जी आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। मतलब ये कि यहाँ से अप्लाई करके सारा फॉर्म फिल करना है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, सिंपल से मेथड है। आपने यहाँ पे अप्लाई करके सारा फॉलो कर लेना है, आपने अपनी एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद एक फाइल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये कि आपको सिलेक्ट करना होगा, आपने फाइल सिलेक्ट करनी होगी, मतलब ये कि आपने कौन सी जॉब यहाँ पे देनी है, सबटाइटल्स किस लैंग्वेज में देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगी वीकली, हर वीक के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई पेपाल अकाउंट वगैरह की भी जरूरत नहीं है। ये होगी जी हमारा सेकेंड वाली मतलब के प्लेटफॉर्म जहां से हम अर्निंग कर सकते हैं। लास्ट वाले जो थ्री प्लेटफॉर्म है वो इससे भी ज्यादा ईजी है, वहां पे ऑर्डर मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा अर्निंग को करना बहुत ज्यादा आसान है। तो बढ़ते हैं जी उन तीन मतलब के प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर मैं बात करूं जी YouTube चैनल की, जैसे ही आप YouTube पे आते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे यूट्यूबर मतलब के लाखों में आपको मिल जाएंगे जो कि YouTube चैनल बना के बैठे हुए हैं, अपनी वीडियोस में सबटाइटल्स वगैरह ऐड करते हैं, करवाते हैं। आपने जाना है सिंपली YouTube पे जाके, आपने क्या करना है सिंपली सर्च करनी है। जैसे ही आप जाएंगे YouTube पे, यहाँ पे मैं ओपन करके आपको सारा समझा देती हूँ। YouTube पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, आप कोई भी बड़ा यूट्यूबर जो आपको लग रहा हो टेक्नोलॉजी के हवाले से, टेक के हवाले से, या फिर आपको आपने सर्च कर लेनी है कि सबटाइटल जॉब्स, और इसके अलावा ऐसे यूट्यूबर आपने सर्च कर लेने हैं जिनको आप लगता हो कि वो आपकी सबटाइटल जॉब्स ले लेंगे। आपके जहन में जो जो बंदा आ रहा है आपने क्या करना है, उसके अकाउंट पे जाके मतलब कि यूट्यूब अकाउंट पे जाके, जैसा कि ये मेरा अकाउंट है, उसके जब आप अबाउट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका ईमेल एड्रेस मिलेगा, जो कि यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मेरा ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा है। सिंपली आपने क्या करना है, इस ईमेल के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है यूट्यूबर को कि आप हमसे सबटाइटल की जॉब ले, हम आपको सेटिस्फाई काम देंगे, अच्छा काम देंगे, अच्छी जॉब देंगे। तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना सब कुछ मैनेज कर सके। इवन ये कि मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है, शुरू शुरू में मैं सब कुछ मैनेज कर रही थी, तो अब मैंने भी टीम रखी हुई है इन कामों के लिए, तो आप उनको ये सर्विसेज दे के पैसे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक दफा आपने एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन आपने किस तरह लिखनी है वो भी नहीं लिखनी पड़ेगी, सिंपली मैं आपको बताऊंगी। आपने कॉपी करके एप्लीकेशन को पेस्ट कर देना है उनकी ईमेल एड्रेस के ऊपर, उसके बाद वो फिर आपसे खुद रब्ता करेंगे और आपको जॉब दे देंगे। एक दफा से अगर आपको उनसे जॉब मिल गई है तो मतलब ये कि पूरी जिंदगी के लिए वो आपसे ही सबटाइटल वाला काम करवाएंगे, अगर आपका काम अच्छा है तो। ये एक बेस्ट ऑप्शन है और आप क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने जाना है जी डिफरेंट यूट्यूबर के अबाउट वाले सेक्शन में, वहां से आपने ईमेल पे, इंस्टा पे, इसके अलावा कोई और आपको उनका ट्विटर का अकाउंट मिलता है, इसके अलावा कोई और टिकटॉक का मिलता है, मतलब कि जो जो आपको अकाउंट उनके नजर आते हैं वहां पे आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है जी गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आपने जाके सर्च करनी है जी earningadvice.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कह रहा जी सबटाइटल एप्लीकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिखी लिखाई सबटाइटल की एप्लीकेशन दे देगा। सिंपली यहाँ पे आपने एप्लीकेशन को कॉपी करके
पेस्ट करके ये वाली जो एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है और थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आपने ईमेल कर देनी है। उसके बाद आपको वो खुद ही ईमेल पे रिप्लाई करेंगे और आपसे सारी डिटेल पूछ लेंगे और आपको काम दे देंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने करना जी डियर, डियर के आगे मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे सेंड करें तो यहाँ पे आपने लिख देना है केटी टेक्निकल ट्रिक्स या फिर हबीबा डार। उसके बाद यहाँ पे आपने चैनल का नेम लिख देना है, ठीक है, जहाँ पे ये चैनल नेम हाईलाइट हुआ हुआ यहाँ पे चैनल का नेम ऐड कर देना है। और यहाँ से लास्ट पे आके आपने अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, इस एप्लीकेशन के लास्ट पे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर और इसके अलावा इंस्टा और इसके अलावा डिफरेंट जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। इस जो हमारे पास एप्लीकेशन है इसमें इन्होंने यही बताया है कि हमने बहुत सारे लोगों के सबटाइटल की काम किए हैं, सेटिस्फाई काम करेंगे, आप हमसे एक दो सैंपल लेके देखें, अगर आपको पसंद आए तो आप हमें मतलब कि हायर कर सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर आप ये काम करेंगे सिंपली आप यहाँ से इसको पहले कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, जाके आप अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे ही आप आके पेस्ट कर लें, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा चेंज करके जो कि मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, नाम अपने चैनल का लिखना है और इसके अलावा मतलब कि उनको मुखातिब करने के लिए उनका नाम लेना है, उनके चैनल का नाम लेना है, नीचे अपने लिंक्स दे के आपने सिंपली उनको सेंड कर देना है। ये हो गया जी हमारा थर्ड वाला तरीकाकार कि हमने किस तरह से जॉब लेनी है, किस तरह से अर्निंग करनी है। अब हम बात करते हैं जी लास्ट वाले दो मेथड की जो कि इससे भी कई गुना ईजी हैं, कई गुना कमाल के हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके ग्रो होने के, आपकी अर्निंग के। तो बात करते हैं जी फाइवर की। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम इसके ऊपर जाके सर्च करते हैं, जैसे ही मैं इसके ऊपर फाइवर की मैंने सर्च की, इसको मैं ओपन करती हूँ, ओपन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जाके मैं सबटाइटल की जब मैं सर्च करती हूँ तो आप देख के हैरान होंगे कि यहाँ पे कितनी जॉब्स हैं, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे सर्विसेज जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5863 बंदे इस सर्विस को सेल कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस काम की डिमांड की तो इतनी ज्यादा डिमांड है कि आपकी सोच भी नहीं है, ठीक है, आपकी सोच भी नहीं है कि इस काम की डिमांड कितनी है। बहुत ज्यादा लोग इसको मतलब कि सबटाइटल्स अपनी वीडियोस में ऐड करवाते हैं क्योंकि सबटाइटल ऐड करने से आपकी वीडियो रैंक करती है। इसके अलावा जो लोग आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते दूसरे कंट्रीज के, वो आपकी वीडियोस को देखते हैं और आपकी जो अर्निंग है वो ज्यादा होती है। यहां पे हम देखें अगर तो यहां भी आप देख सकते हैं कि 1153 रुपए ये ले रहा है सबटाइटल लिखने के, यहां पे भी 1153 पे लिए जा रहे हैं, यहां पे 2305 रुपए लिए जा रहे हैं। चेक किया जाए तो इनके पास ऑर्डर भी मौजूद है, इन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्डर ऑलरेडी कंप्लीट भी कर लिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 38 ऑर्डर इस बंदे के पास पड़े हुए हैं। तो अगर इसके पास हैं तो आपके पास क्यों नहीं आ सकते। अगर आपके जहन में ये गलत फहमी है कि फाइवर पे ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जल्दी ऑर्डर नहीं मिलता, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत फहमी है। फाइवर का अकाउंट बनाना मैंने सिखा दिया है, गिग बनाने के हवाले से मैं वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पे देने वाली हूँ। इसके अलावा वो टिप और वो ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ जिससे आप दिनों में फाइवर पे कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा ये बात जहन से निकाल दें कि फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिलते, ये भी इंसान है, ये कोई जानवर नहीं है या फिर कोई खलाई मखलूक नहीं है जो इतने ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं। इसके अलावा कोई और बंदा चेक कर लेते हैं, यहाँ से दूसरा बंदा चेक कर लो, ठीक है, इसके पास भी ऑर्डर 7 पड़े हुए हैं। मतलब ये कि अगर ये 1100 की बजाय 1000 में भी एक काम कर रहा है तो 7000 में ये काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर ये काम डिलीवर कर रहा है। इसके अलावा इसने कितने ऑर्डर आज तक कम्प्लीट कर दिए हैं, ऑलमोस्ट 900 के करीब इसने ऑर्डर कम्प्लीट भी कर दिए हैं। तो अब हम जाते हैं जी वापस फाइबर के ऊपर और लास्ट पे आके भी चेक कर लेते हैं जो लास्ट पे बंदे बैठे हुए हैं, क्या उनके पास भी कोई ऑर्डर आए हैं या नहीं आए, उन्होंने भी अर्निंग की है या नहीं की। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी यहाँ पे 3457 रुपए में भी लोग ये जो सर्विस है वो सेल कर सकते हैं। फाइवर का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आराम से घर बैठे आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी हुलिये में अर्निंग कर सकते हैं। मेहनत करना आपका काम है, अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता मतलब के काम से, हर बंदा आपको काम भी देगा, काम आपका अच्छा होना चाहिए, आप मेहनती हैं तो यकीन करें इतने आगे आप निकल सकते हैं कि आपकी सोच है। यहाँ पे आप देखें इस पेज के लास्ट पे तो इस बंदे ने भी 286 काम कंप्लीट कर दिए हैं, इस बंदे ने भी 62 काम कंप्लीट कर दिए हैं, इस बंदे ने 43 कर दिए, इसने 13 कर दिए, मतलब ये कि हर बंदे के पास ऑर्डर मौजूद है। इसका कंपटीशन भी इस वक्त बहुत कम है जो कि इस मतलब के सर्विसेज से पता चल रहा है। तो लिहाजा इस चीज का फायदा उठाइएगा, आपको मेरे चैनल पे मुकम्मल ए टू जेड गाइडलाइन मिल जाएगी फाइवर के हवाले से। आप फ्रीलांसिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, वो वाली सीरीज सारी देखनी स्टार्ट करें, उसके बाद मजीद जो जो आपको रहनुमाई की जरूरत है उसके लिए कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बना के मुकम्मल तौर पर गाइड कर दूंगी। अब हम बात करते हैं जी लास्ट वाले हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो है जी हमारे पास फेसबुक का प्लेटफॉर्म। जैसे ही हम फेसबुक पे जाते हैं तो वहां पे आपने जाकर करना है जी सर्च फ्रीलांसर ग्रुप। जैसे ही आप उनको सर्च करेंगे आपने
सिंपली उनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपने उन ग्रुप में जाके पोस्ट करनी है कि हम सब टाइटल की सर्विस दे रहे हैं। पोस्ट करने का तरीकाकार क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। आपने ग्रुप्स के अंदर, एक ग्रुप के अंदर नहीं, दो के अंदर नहीं, बल्कि 4-5 ग्रुप्स के अंदर इसी तरह से पोस्ट कर देनी है। डेली बेसिस पे आप पोस्ट एक एक कर दें। उसके बाद आपको खुद ही लोग कमेंट सेक्शन में आके और इसके अलावा मैसेंजर पे आके रابطہ करेंगे, आपको सर्विसेज देंगे। आपने काम अच्छे तरीके से करना है, अपना समझ के करना है, तो उसके बाद वही बंदे जो आपसे एक दफा काम ले रहे हैं सारी जिंदगी काम करवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपने शुरू में पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी, उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक दो काम अगर आपको फ्री भी करके देना पड़ रहा है तो आप करके दें, ठीक है। उसका रिवार्ड आपको बाद में मिल जाएगा, वो आपको फिर आपके हमेशा के लिए कस्टमर बन जाएंगे, तो इससे बढ़ के क्या फायदा है। तो लिहाजा ये थी जी आज की वीडियो। रस्ते मैंने आपको दिखा दिए हैं, काम मैंने आपको सिखा दिए हैं, कमाना आपने हैं, दवाएं मुझे देनी हैं। बाकी ये थी जी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, आप इसे फायदा हासिल करेंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे और अपने चैनल का भी ख्याल रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।